गाइस कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। तो देखो सुबह हो चुकी थी, सुबह होते पता नहीं मेरे दिमाग का मतलब दिमाग का संतुलन पूरा हिल चुका था। हाँ तो मैं बच्चों जैसी कर रही हूँ अभी, तो पूरा हिल चुका था। मैंने थोड़ा नाच लिया, इससे नाचने से पता है थोड़ा मूड एनर्जी सब बूस्ट हो जाता है मेरा। पता नहीं नाचने से थोड़ा पागलपंती करने से आप लोग को हो सकता है बुरा लगता है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इससे मेरी एनर्जी बूस्ट। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, मैं जानती हूँ इससे छोटी छोटी चीज़ों से मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सुबह हो गई थी, मैं मम्मी गॉसिप कर रहे थे, पता नहीं मैं ज़ारा की मॉडल बन के क्यों फेर रही थी। कोको देखो, कोको और पूरी तो सो रहे हैं। अब मम्मी सुबह सुबह बना रही थी गर्मा गर्म चिकन। आज संडे था तो हैप्पी संडे, आप लोग गर्मा गर्म चिकन उसको देख के तो मेरे दिल में तो क्या बोले खुशी, मतलब क्यों ना बहुत खुशी की सब होती। देखो भैया मैं चिकन लवर एंड आपको चिकन देख के अलग ही खुशी होती है। मतलब कुछ भी चिकन चिकन या चिकन इस चिकन या मैं इतनी ज़्यादा लॉयल हूँ चिकन के लिए, मुझे कोई यार पसंद ही नहीं है फिश के सिवाय, बट आई लाइक फिश मैन, आई कॉन्ट इग्नोर दैट थिंग यार। तो हाँ, तो मैं और मम्मी गॉसिप कर रहे थे बहुत देर के लिए। तो आप लोग क्या करते हो बहुत बताओ, संडे होती आप लोग का घूमने घूमने जाते हो? क्योंकि ऐसे भी आज मेरा और मम्मी का प्लान था। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ नॉन बंगाली इसको क्या कहते हो आप लोग, क्योंकि बंगाली में हम लोग बोलते थानकू नहीं पाता। सच बोलो तो पहले मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आई डोंट नो मुझे कैसा लग रहा था, बट जितना दिन चल रहा है उतना टेस्टी लग रहा है यार मेरे को, पता नहीं। तो आज गाइस मेरा और मम्मी का बाहर जाने का प्लान था, मतलब शाम को, अभी नहीं तो उसका मिनी व्लॉग जल्दी आ जाएगा, मिनी ब्लॉग। तो उसका मिनी ब्लॉग जाके देख लेना, फेसबुक पर अपलोड करूँगी, जाके चेकआउट कर लेना। एंड मेरी मम्मी ऑब्वियसली मेरे को कोई काम नहीं दिखे सकता, अभी हो ही नहीं सकता। पूरी देखो उसको कोई डर नहीं है, पूरी मस्त साइड हो जाए। आप लोग देखो कि पूरी का बाल बाल मम्मी ने पूरा कटवा दिया है, क्योंकि यू नो गाइस पूरी इज प्रेगनेंट, बेबी हो गए। तो देखो भाई बहुत सारा मामला, इसलिए मम्मी ने बोला बाल बाल काट दो, दो हफ्ते नहा नहीं पाएगी बेचारी, उसको ही तकलीफ होगी इसलिए, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए तो कटवा दिए। और क्या, और फ्रेश हेयर ग्रो करेगा मेरे ना, और मैं अंधी एक नंबर की। गाइस आप लोग बताइए, मैं पता नहीं, मैं जब भी कुछ चीज़ें खोजने जाती हूँ मेरे को वो चीज़ कभी मिलेगी ज़िंदगी में? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी जगह पे मेरी मम्मी अगर जाए तो वो चीज़ वहीं पड़े रहे कि मेरी मम्मी को ताकती क्यों, आई डोंट नो। वही मेरे साथ होता है कि आप लोग के साथ होता है, कमेंट करके पता, तो फाइनली मिल भी गई।